हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज रिपोर्टिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS. MIS का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. कोई मुझे बता सकता है रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब, रिपोर्ट का मतलब, अरे इतना तो बता ही सकते हो. रिपोर्ट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे. मीनिंगफुल वे, या फिर अपन कह सकते हैं मीनिंगफुल वे या प्रॉपर तरीके से कोई इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना. प्रॉपर वे में या मीनिंगफुल वे में किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, उसी चीज को रिपोर्ट कह देते हैं. रिपोर्ट्स बनकर आती है ना, तो रिपोर्टिंग. रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट कर रहे हो मीनिंगफुल वे में या प्रॉपर तरीके से, तो उसी चीज को अपन क्या कह देते हैं? रिपोर्ट्स कह देते हैं. अपने अकाउंट्स में जनरली दो तरह की रिपोर्ट्स होती है, एक तो P&L और एक बैलेंस शीट. P&L एंड बैलेंस शीट. P&L और बैलेंस शीट आप क्यों बनाते हो? P&L बैलेंस शीट ताकि आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके, ताकि आप कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहे हो उसको एनालाइज कर सको, उसको समझ सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको, एनालाइज कर सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको, उसको इवैल्यूएट कर सको आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को. इसीलिए अपन क्या करते हैं, दो तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. तो रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट्स का मतलब होता है आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि वो प्रॉपर तरीका और मीनिंगफुल वे में किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना. दो तरह की रिपोर्ट्स होती है, P&L एंड बैलेंस शीट. P&L एंड बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अपन एनालाइज कर सके, इसीलिए अपन P&L बैलेंस शीट बनाते हैं. रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS. अब ये MIS क्या होता है? MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक तरीके की रिपोर्ट्स जनरेटिंग टूल है. MIS क्या होता है? MIS एक रिपोर्ट्स जनरेटिंग टूल्स होते हैं जो रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं. रिपोर्ट्स जनरेटिंग टूल्स हैं जो रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहे हैं. अब नाम में ही आ रहा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स अपन को चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपन MIS सिस्टम के थ्रू गेट कर सकते हैं. तो MIS सिस्टम जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जितनी भी रिपोर्ट्स चाहिए वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल सकती है. जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो यहाँ से आप ले सकते हो. तो MIS रिपोर्ट्स, MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस सिस्टम को कौन यूज में ले सकता है? ये सिस्टम सब लोग काम में ले सकते हैं. ऑल लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल के लोग हैं सब काम में ले सकते हैं. चाहे कोई असिस्टेंट मैनेजर हो वो भी इस रिपोर्ट को काम में ले सकता है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए. चाहे कोई आपका एग्जीक्यूटिव हो, कोई टॉप बंदा हो, कोई हेड हो, वो भी इस रिपोर्ट पे रिलाय कर सकते हैं, वो भी इस रिपोर्ट को काम में ले सकते हैं. क्यों काम में ले सकते हैं? अगर उनको डेली बिजनेस एक्टिविटी, डेली क्या काम हो रहा है क्या नहीं, डेली बिजनेस एक्टिविटी को देखना है, इवेल्युएट करना है. अगर उनको देखना है कि कोई प्रॉब्लम आई है क्या, कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू जनरेट हुआ है, उसके लिए रिपोर्ट्स देख सकते हैं. अगर उनको कोई डिसीजन लेना है बिजनेस के अंदर तो वो इन रिपोर्ट्स को काम में ले सकते हैं. अगर उनको ट्रैक रखना है कितनी क्या प्रोग्रेस हो चुकी तो वो इन रिपोर्ट्स को काम में ले सकते हैं. तो ऑल लेवल्स, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर लेवल का बंदा इन रिपोर्ट्स पे रिलाय कर सकता है. मतलब ये रिपोर्ट्स हर लेवल के बंदे के लिए बनाई जाती है, चाहे आप टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल पे हो, चाहे लो लेवल पे हो, हर लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर, MIS की हेल्प से रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी जा सकती है. और वो रिलाय करते हैं, उनको डेली बिजनेस की एक्टिविटी चेक करनी है, कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज देखना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, इस सब के लिए MIS रिपोर्ट्स काम में ली जा सकती है. और सारे मैनेजर्स, हर लेवल के मैनेजर्स को काम में ले सकते हैं.
ये जो रिपोर्ट है ये ऑल साइज बिजनेस, हर तरीके का बिजनेस, हर साइज का बिजनेस काम में ले सकता है. कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी काम में ले सकते हैं, कोई स्मॉल, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी काम में ले सकते हैं. किसी भी साइज का बिजनेस हो एंड कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री MIS रिपोर्ट को काम में ले सकती है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए. हर इंडस्ट्री, लाइक अगर क्लोथ इंडस्ट्री की बात करें, लाइक अगर फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें, लाइक अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो हर तरह की इंडस्ट्री MIS रिपोर्टिंग सिस्टम को काम में ले सकती है कोई भी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए. तो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली रिपोर्ट जनरेटिंग टूल्स है. जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपन को यहाँ से मिल सकती है. तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मैनेजर हो, किसी भी लेवल पे मैनेजर हो, सब लोग इस रिपोर्ट को रिलाई कर सकते हैं. सब लोग इस रिपोर्ट्स इनसे जनरेट हुई रिपोर्ट को काम में ले सकते हैं. क्यों क्यों काम में ले सकते हैं? डेली एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं उनको देखने के लिए, कोई डिसीजन लेना है, किसी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, इन सब के लिए MIS रिपोर्ट काम में ली जा सकती है. हर साइज का बिजनेस इसको काम में ले सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज हो, एंड हर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री MIS सिस्टम काम में ले सकती है रिपोर्ट्स जनरेट करवाने के लिए. ठीक है. Then, who uses MIS reports? कौन यूज करते हैं? Who uses MIS report? कौन और किस तरीके से यूज में ली जाती है MIS रिपोर्ट? कौन यूज करते हैं और किस तरीके से काम में ली जाती है? देखो, जो ये MIS सिस्टम है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप डेटा को कलेक्ट कर लेता है. ये MIS सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा को कलेक्ट कर लेता है फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के हर एक एरिया में से ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा. MIS सिस्टम जो है वो डेली रिपोर्ट्स जनरेट कर भी दे सकते हैं. डेली मतलब आज के दिन में क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, इस डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, क्या नहीं, डेली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो. और इन रिपोर्ट्स को की मेंबर्स, जो मेन मेंबर्स होते हैं, उनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो ये एनालाइज कर सके आज के दिन में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ. कुछ MIS रिपोर्ट्स ऑन डिमांड MIS रिपोर्ट्स भी जनरेट की जा सकती है. ऑन डिमांड मतलब whenever required, जब आपको चाहिए तब आप उसको जनरेट कर सकते हो. और देखो, डेली रिपोर्ट तो सपोज टाइम है कि शाम को 6 बजे डेली रिपोर्ट वो दिन की, पूरे दिन की जनरेट करके देगा. ऑन डिमांड मुझे अगर दोपहर में 2 बजे भी कोई रिपोर्ट चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में क्या काम कैसे हो रहा है, तो MIS की हेल्प से मैं 2 बजे भी जनरेट कर सकती हूँ. तो ऑन डिमांड जब आपको चाहिए तब भी आप MIS की हेल्प से कोई रिपोर्ट जनरेट कर दे सकते हो. कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं MIS के लिए. वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, किसके लिए, MIS के लिए. अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, हर तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और फिर रिपोर्ट जनरेट करो. तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया रिपोर्ट जनरेशन के लिए. और उस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जनरेट कर दे देगा. जितने भी बिजनेस में डिविजन्स हो उतनी तरीके की MIS रिपोर्ट्स बन सकती है. तो MIS रिपोर्ट्स कितने भी तरीके की बन सकती है, मेनी टाइप्स, कोई फिक्स नहीं होता कि 4 तरह की बनेगी, 5 तरह की. MIS सिस्टम कितने भी तरीके की रिपोर्ट्स बना सकता है. आपके बिजनेस में जितने डिपार्टमेंट, जितने डिविजन्स आपने कर रखे हैं, उतनी तरीके की आपकी MIS रिपोर्ट्स बनकर आ सकती है. जैसे कि अगर अपन कोई एग्जाम्पल ले लें, सपोज मैंने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, लाइक एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना रखा है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए MIS रिपोर्ट जनरेट हो सकते हैं, लाइक सेल्स रेवेन्यू, आज कितना क्या सेल्स से रेवेन्यू हुआ और कितने क्या अपने एक्सपेंसेस लगे. तो फाइनेंस वाले को इस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ऐसी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं. कोई जो वेयरहाउस मैनेजर है, जहाँ पे चीजें स्टोर की जाती है, उसको किस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिएगी कि कितना क्या स्टॉक में रखा है और किसकी क्या शिपिंग करनी है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स वेयरहाउस वाले बंदे के लिए जनरेट की जा सकती हैं. जो सेल्स मैनेजर होता है उसको रिपोर्ट्स चाहिए कि टोटल सेल्स पास्ट में कितनी हुई वो रखनी है, फ्यूचर में और कितना क्या टारगेट रखना है, इस तरह की रिपोर्ट सेल्स मैनेजर को मिल सकती है. तो जितने डिविजन्स बिजनेस में उतनी सारी तरीके की MIS रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं. तो हु यूजेस MIS रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्ट्स कौन यूज में लेता है और कैसे काम में ली जाती है. MIS सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप सारे डेटा को इकट्ठा करेगा, हर एरिया से बिजनेस के अपने आप इकट्ठा कर देगा. ये डेली रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है और उसको अपन की मेंबर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं. यहाँ पे ऑन डिमांड रिपोर्ट्स भी जनरेट की जा सकती है. ऑन डिमांड मतलब जब आपको जरूरत है तभी आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हो. जो बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं MIS के लिए, कि वहाँ वही डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और रिपोर्ट जनरेशन का काम करेगा. बहुत सारी तरीके के MIS रिपोर्ट्स हो सकते हैं.
जितने डिविजन उतनी सारी तरीके की आपकी MIS रिपोर्ट्स भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन MIS रिपोर्ट, जो आप MIS रिपोर्ट में जिस भी किस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी जो MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट्स, MIS सिस्टम की हेल्प से जो रिपोर्ट जनरेट होकर आ रही है उनमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट में किस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर MIS रिपोर्ट को आपको और यूजफुल बनाना है तो इसको कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में क्राइटेरियाज फॉर MIS रिपोर्ट क्या होते हैं तो भी आपको यही लिखना है जो भी पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन MIS रिपोर्ट में होनी चाहिए तो भी अपन यही लिखेंगे जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो इनको क्राइटेरियाज भी बोला जा सकता है कि क्या क्या क्राइटेरिया आप फॉलो करोगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करोगे MIS रिपोर्ट को ज्यादा यूजफुल बनाने, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करोगे। MIS रिपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक टू द बिजनेस एरिया, जिस एरिया ने जो रिपोर्ट मांगी उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट मांग रहा है तो उसको सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दोगे, उसको नहीं बताओगे कितना खर्चा हो गया और कितना कंपनी कमा रही है, उसको नहीं बताओगे। अगर वेयरहाउस डिपार्टमेंट आपसे रिपोर्ट मांग रहा है तो आप उसको बताओगे कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी शिपिंग हो गई, उसको नहीं बताओगे कि पुरानी कितनी सेल्स हो चुकी है या कितना खर्चा, कितना आप एक्सपेंस और कितना हो रहा है। तो स्पेसिफिक होनी चाहिए बिजनेस एरिया से रिलेटेड, मतलब जो अपन ने पूछा है उसी से रिलेटेड अपन को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी हुई, अगर MIS रिपोर्ट्स में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी हुई तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसको फिर सब लोग सोचेंगे ये तो बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी देता है जो काम की नहीं है, तो कोई भी उसको इतना अच्छा MIS रिपोर्ट को नहीं मानेगा। तो अगर MIS रिपोर्ट को आपको यूजफुल बनाना है तो वो रेलिवेंट डेटा ही स्टोर करे। रेलिवेंट मतलब जितना काम का है उतना ही डेटा को दिखाए, जो स्पेसिफिक बिजनेस एरिया, अगर अकाउंट्स वाला बंदा पूछ रहा है तो उसको अकाउंट से रिलेटेड बातें ही बताई जाए, अगर प्रोडक्शन वाला बंदा पूछ रहा है तो उसे प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें ही रिपोर्ट जनरेट करी जाए। तो जो उसकी स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, अलग कोई अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। देन टाइमली, जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली होनी चाहिए। टाइमली मतलब इन्फॉर्मेशन बता सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए रिपोर्ट की वो बता सके व्हाट हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है एंड रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था ये भी बता सके। तो जो भी इंफॉर्मेशन वो ऐसी होनी चाहिए जो ये बता सके कि अभी क्या हो रहा है, पुराने रीसेंट पास्ट में क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज की रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट MIS से मांग रही हूँ तो वो मुझे 1450s की बारे में बता रहे कि उस टाइम ऐसा हुआ था, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, उस टाइम इतना पुराना डेटा का अपन को कोई मतलब नहीं है। वो 2005 तक भी बताए तो ठीक है, वो रिसेंट पास में काउंट हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा पुराना डेटा भी वो रिपोर्ट आपको शो नहीं करनी चाहिए। तो रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन वो शो कर रही है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन शो करे कि जो अभी हो रहा है उस तरीके की इन्फॉर्मेशन शो करे, एंड रीसेंट पास्ट में जो उस तरह की इन्फॉर्मेशन शो कर सके, बहुत ज्यादा पुरानी इन्फॉर्मेशन वो शो ना करे। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज एक्यूरेट। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो एक्यूरेट होनी चाहिए रिपोर्ट के अंदर। एक्यूरेट मतलब टाइम आपका, डेट एक्यूरेट होनी चाहिए, उसका टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, और उसमें अगर कुछ आप एड अप कर रहे हो, एड अप मतलब जब अपन राउंड ऑफ कर देते हैं चीजों को, राउंड ऑफ हो जाता है, तो वो भी आपका एक्यूरेट राउंड ऑफ होना चाहिए। क्योंकि इसी रिपोर्ट को देखते हुए डिसीजन मेकर्स बिजनेस में डिसीजन लेंगे, इन्हीं रिपोर्ट्स को देखते हुए बिजनेस मेकर्स, डिसीजन मेकर्स जो है वो डिसीजन लेंगे। और अगर आपने रिपोर्ट ही गलत दे दी, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही गलत है, तो वो कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आप फाइनेंशियल डेटा तो एकदम ही एक्यूरेट होना चाहिए, फाइनेंशियल डेटा में तो कभी कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, एकदम ही एक्यूरेट होना चाहिए ताकि हमेशा एकदम करेक्ट डिसीजन ले सके अपन। ठीक है, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कोई भी MIS रिपोर्ट के अंदर। MIS रिपोर्ट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है MIS सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है,
कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस तरीके से एमआईएस रिपोर्ट बनाओ कि सिंपल टू फॉलो, आसानी से लोग उसको पढ़कर समझ पाए कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसको पढ़कर समझकर आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए वो रिपोर्ट क्या बात कर रही है। तो उसको आसान बनाने के लिए क्या करो, आप लॉन्ग पैराग्राफ्स को, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में तोड़ दो, चंक्स मतलब पार्ट्स में तोड़ दो, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, हर पार्ट की एक मीनिंगफुल हेडिंग डाल दो, मीनिंगफुल हेडिंग कि ये पार्ट इस बारे में बता रहा है, ये पार्ट इस बारे में बताएगा, ये पार्ट इस बारे में, ये पार्ट इस बारे में, ताकि जो उसको देख रहा है रिपोर्ट को उसको समझ में आ सके कि वो रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है क्या नहीं, वो उसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एमआईएस रिपोर्ट्स के अंदर, या क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा अगर एमआईएस रिपोर्ट को आपको ज्यादा रेलिवेंट, ज्यादा यूजफुल बनाना है, तो क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक होनी चाहिए टू द बिजनेस एरिया, जो उसके बारे में पूछा सिर्फ उतना ही बताओगे, फालतू की कोई चीज नहीं बताओगे, नहीं तो उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे लोग। टाइमली इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो बता सके अभी क्या हो रहा है, रिसेंट पास में क्या हुआ था, बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी चाहिए रिपोर्ट्स आपकी। देन नेक्स्ट है इसके अंदर एक्यूरेट, आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइम करेक्ट होना चाहिए, डेट करेक्ट होनी चाहिए, ताकि डिसीजन मेकर उसको देखकर साउंड अच्छा डिसीजन ले सके। स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दो और मीनिंगफुल हेडिंग डाल दो, ताकि लोग उसको देखकर समझ पाए कि वो रिपोर्ट किस बारे में और क्या बात करना चाह रही है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या ये क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं किसी भी एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, आप ये सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया एमआईएस क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स, पढ़ चुके हैं वैसे तो डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं अपने डेटा सेट्स को, डेटा सेट्स को अपन इवैल्यूएट करके देखते हैं, ताकि उनके बेसिस पे कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकें। जो भी आपका डेटा पड़ा है उसको आप एग्जामिन करते हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। एनालिटिक्स मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। तो जो डेटा पड़ा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, ताकि उसको देखकर अपन कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, इसी को अपन क्या कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। डेटा एनालिटिक्स के लिए आप स्पेशलाइज सिस्टम या स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी काम में ले सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के लिए अपन स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स भी काम में ले सकते हैं, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ उनका काम क्या है, डेटा को एनालाइज करना और उसको देखकर कंक्लूजन निकालना, यही काम है उनका। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स जो होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं बिजनेस को। डेटा को जब एनालाइज करते हो, डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, तो उससे बिजनेस को कैसे कैसे हेल्प मिलेगी। आप डेटा सेट को इवैल्यूएट करते हो तो उससे बिजनेस को आपको कैसे हेल्प मिलेगी, बिजनेस अपना उससे, उसकी वजह से बिजनेस अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, बिजनेस की रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है। अगर बिजनेस अच्छे से डेटा को समझ पा रहा है कि कौन सा कस्टमर कब सामान खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा, डेटा को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो आप अपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर पा रहे हो, आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर पा रहे हो, काम करने की जो क्षमता है उसको और इम्प्रूव कर पा रहे हो। आपको पता है आपके जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से खुश होते हैं, तो उनको वैसे इंसेंटिव्स, वैसा मोटिवेशन देंगे, ताकि उनकी काम करने की क्षमता और इंक्रीज हो सके। उनको आधे घंटे का रिलैक्सेशन टाइम दिया, एक घंटे का रिलैक्सेशन टाइम दिया, सो ऑन। आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग कैंपेन्स। पढ़ाता ना मैंने जो CRM करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज डेटा एनालिटिक्स, की कस्टमर का डेटा को एनालाइज करके अपन अपने मार्केटिंग कैंपेन जो लगा रहे हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कि आपको पता चल जाएगा कौन से कस्टमर को क्या सामान पसंद है, ताकि राइट सामान, राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे पहुंचाया जा सके। आपको डेटा को जब एनालाइज करोगे तो ये पता चल जाएगा मोर प्रॉफिटेबल कस्टमर ग्रुप्स कौन से हैं, तो उन्हीं को सर्विसेज दें, एंड सो ऑन। कस्टमर्स को अपन बेटर सर्विसेज दे सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर आप कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। मार्केट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ रहा है, तो उसको आप आसानी से क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर आप डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर चल रहे हो, तो मार्केट के चेंजेस को क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, और इसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने में डेटा एनालिटिक्स हेल्प करती है।
तो क्या होता है डेटा एनालिटिक्स, मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा को एग्जामिन करना ताकि उसको देखते हुए उसके कोई कंक्लूजन निकाल सके। एनालाइज करने के लिए डेटा को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी काम में ले सकते हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकालना रहेगा। डेटा एनालिटिक्स बिजनेस को हेल्प कर सकती है, कैसे, रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं उसकी हेल्प से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, बिजनेसेस मार्केटिंग कैंपेन्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमर्स को बेटर सर्विस दे सकते हैं, अगर कोई ट्रेंड में चेंज हो रहा है तो उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसकी वजह से उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है। बेसिकली एनालिटिक्स जो होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। Types of data analytics, data को analyze करने के तरीके कौन से types होते हैं, किस किस तरीके से data को analyze, types of data analytics applications, कौन सी applications होती है data को analyze करने के। सबसे पहले अपन बात करेंगे high level पे। High level पे दो methodologies बताई गई हैं। High level, top level पे data को analyze करने के लिए दो तरीके, दो methods बताए गए। पहला इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस EDA। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना मतलब यहाँ पे इसकी हेल्प से फाइंड, अपन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर पाते हैं, किसके बीच में क्या पैटर्न है, कौन सा डेटा किससे कैसे कनेक्टेड है, उनके बीच में कैसी क्या रिलेशनशिप है, जो भी पैटर्न है, कस्टमर ये खरीदता है तो उसके साथ ये भी खरीदता है, रिलेशनशिप उनके बीच में क्या है, ये अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से, कि अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं कस्टमर के बारे में, तो पैटर्न्स और रिलेशनशिप निकाल सकते हो। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज कन्फर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स, कन्फर्मेटरी डेटा एनालिसिस, कन्फर्म करना, कन्फर्मेटरी मतलब CDA, कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं डेटा को लेकर, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस जो बनाए हैं डेटा को लेकर, वो अजम्पशंस ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इस चीज को टेस्ट किया जाता है, इस चीज को डिटरमाइन किया जाता है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं, जो भी अजम्पशंस बनाए किसी भी डेटा को लेकर, वो ट्रू है फॉल्स है, तो उसको टेस्ट करने के लिए आप बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस पे लगाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर कर अपन ये चेक कर सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस, जो अजम्पशंस हम लगाते हैं किसी डेटा पे, वो सही है या गलत। तो ये अपन ने पढ़ा हाई लेवल पे दो मेथडोलॉजीज बताई हैं डेटा को एनालाइज करने की। पहला एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब इसकी हेल्प से EDA में क्या होता है, पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हो, डेटा के बीच में क्या पैटर्न्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं। CDA कन्फर्मेटरी डेटा एनालिसिस, यहाँ पे अपन बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर ये देख सकते हैं कि जो हमने अजम्पशन लगाया है डेटा के ऊपर, वो अजम्पशन हाइपोथेसिस जो लगाया है, वो सही है या गलत है, इस चीज को इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, ये तो फर्स्ट टाइप पढ़ा है अपने डेटा को एनालाइज करने का। नेक्स्ट टाइप है दैट इज डेटा एनालिटिक्स दो तरीके से सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड इनटू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का मतलब आप लोग सब जानते हैं, एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस भी किया जा सकता है और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस भी किया जा सकता है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जिसको मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स होते हैं जिनको क्वांटिटी काउंट किया जा सकता है, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, तो उन चीजों को एनालाइज करना। एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस मतलब क्वालिटेटिव क्या होता है, इंटरप्रिटिव होता है। इंटरप्रिटेटिव मतलब का मतलब क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल जो डेटा होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा का क्या कंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करना, नॉन न्यूमेरिकल डेटा को अंडरस्टैंड करने को क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप इमेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप ऑडियो को समझ रहे हो क्या कह रहा है, आप वीडियो को समझ रहे हो, आप कोई ऑडियो इमेज वीडियो इन सबको आप समझ रहे हो, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो क्वांटिटी को भी एनालाइज किया जा सकता है, क्वालिटी को भी, क्वालिटेटिव डेटा को भी एनालाइज कर सकते हो।
क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करना मतलब न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करो, ऐसे डेटा को जिसको मेजर और काउंट कर सकते हैं उनको अपन एनालाइज कर रहे हैं, और क्वालिटी मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा को अपन एनालाइज कर रहे हैं, नॉन न्यूमेरिकल जिसको काउंट मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन सबको अपन अंडरस्टैंड करें, इन सबको एनालाइज कर रहे हैं, इसी को क्या कह देते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। एंड थर्ड है इसके अंदर एनालिसिस में, दैट इज एडवांस टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। और भी बहुत सारे एडवांस तरीके होते हैं डेटा को एनालाइज करने के, और एडवांस तरीके होते हैं डेटा को एनालाइज करने के, और एडवांस तरीके होते हैं। क्या क्या एडवांस तरीके हैं? पहला है डेटा माइनिंग। एडवांस तरीकों में पहला है डेटा माइनिंग। आप लोग जानते हैं डेटा माइनिंग मतलब लॉट ऑफ डेटा, खूब सारे डेटा में से पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना, खूब सारे डेटा में से पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना, उसको अपन क्या कह देते हैं डेटा माइनिंग कह देते हैं। अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं डेटा माइनिंग क्या होता है। इसके अंदर एक और होता है, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब फ्यूचर को फोरकास्ट करना, आप लोग जानते हैं प्रिडिक्ट का मतलब यहाँ पे आप हो सकता है प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि आपका कस्टमर कैसा क्या बिहेव करेगा, किस टाइम पे क्या सामान खरीदेगा, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इक्विपमेंट फेलियर के बारे में कि आपका मशीन इतने टाइम में खराब हो जाएगी, इतने टाइम में ऐसा हो जाएगा, या कुछ भी फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना, कुछ भी फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना, उसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। उन चीजों को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एंड थर्ड है इसके अंदर मशीन लर्निंग। पढ़ाता अपन ने मशीन लर्निंग, ये किसका पार्ट होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता था कि मशीन के पास कैपेबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता है। अगर उसके सामने कोई नई सिचुएशन आ गई तो ऑटोमेटिकली, उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं भी लिखा हो उस चीज से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली उस चीज के ऊपर वो लर्न करके उस पर काम कर सकती है। तो यहाँ पे भी यही है, मशीन लर्निंग मतलब ये ऑटोमेटिव ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स काम में लेते हैं। ऑटोमेटिक एल्गोरिथम मतलब अपने आप सिचुएशन को देख के एडजस्ट रहेंगे कि जो बहुत बड़ा डेटा है जिसको नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकता इतनी जल्दी, उसको मशीन लर्निंग अंडरस्टैंड कर उस पर रिएक्ट कर सकती है, उस पर काम कर सकती है, इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। तो ये सारे अपन ने पढ़े टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग, क्या क्या पढ़े डेटा माइनिंग, सॉरी टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला हाई लेवल, हाई लेवल के अंदर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस है। एक्सप्लोरेटरी में अपन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं डेटा के बीच में, एंड कंफर्मेटरी के अंदर अपन बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस आपने किसी डेटा पे लगाया वो ट्रू है या फॉल्स है। देन डेटा एनालिटिक्स को आप सेपरेट कर सकते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी के टर्म्स में। क्वांटिटी जो नंबर्स है जिनको मेजर काउंट कर सकते हो, क्वालिटी जो नंबर्स नहीं है जिनको मेजर काउंट नहीं किया जा सकता, पर उस तरह के डेटा को भी अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, समझना, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। देन एडवांस टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और भी तरीके होते हैं डेटा एनालिटिक्स के, लाइक डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब खूब सारे डेटा में से पैटर्न्स और ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करना। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आपका कस्टमर कैसा बिहेव करेगा, इक्विपमेंट कब क्या फेल हो जाएगा, फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड जितनी चीजें प्रिडिक्शन होती है। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। यहाँ ऑटोमेटिक इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को लर्न कर सकता है, चाहे उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो रखी हो या नहीं हो रखी। आ गया समझ में? तो अपन ने डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया, उसकी क्या एप्लीकेशन, सॉरी डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया, उसके कितने टाइप्स है वो पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कहाँ कहाँ डेटा एनालिटिक्स काम में लिया जाता है। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समझना, ये कहाँ कहाँ काम में आप लेते हो। बहुत सारे बिजनेसेस यूज में ये काम में लिया जा सकता है, बहुत सारे बिजनेस के पर्पज के लिए काम में ले सकते हैं, जैसे कि बैंक्स काम में ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो होती हैं जो क्रेडिट कार्ड अलॉट करेंगे वो काम में ले सकते हैं। वो लोग डेटा एनालिटिक्स से ये देख सकते हैं कि कौन सा बंदा कितना अमाउंट विड्रॉ करता है, कौन सा बंदा कितना पैसा कहाँ खर्च करता है, ये चीजें अगर वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं,
तो वो फ्रॉड होने से बचा सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फ्रॉड या कोई भी आइडेंटिटी थेफ्ट से वो बचाया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट की इसका ये क्रेडिट कार्ड है, ये बंदा काम में लेता है, कितना क्या वो विड्रॉ कर रहे हैं, कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो अमाउंट इससे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है। आपको एनालिसिस से ये पता चल जाएगा कि विड्रॉन की लिमिट थी 35,000 पर मंथ और किसी ने अगर उससे ज्यादा कोशिश की है विड्रॉ करने की, मतलब वहां से फ्रॉड होने के चांसेस हो गए हैं। तो एनालाइज करने से बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये पता लगा सकती हैं कि कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस हैं या कहाँ आइडेंटिटी थेफ्ट होने के चांसेस हैं। देन ई कॉमर्स कंपनीज जो होती हैं, जो ई कॉमर्स का काम कर रही है, वो भी डेटा एनालिटिक्स को काम में ले सकती हैं। वो डेटा एनालिटिक्स को क्यों काम में लेंगी, वो ये देख सकती हैं कि आइडेंटिफाई कर सकती हैं कितने लोगों ने आज उनकी वेबसाइट को विजिट किया, ये देख सकती हैं। नॉर्मली अपन लोग सब विजिट करते हैं, वो कहाँ कहाँ नेविगेट कर रहे थे, नेविगेट मतलब उन्होंने क्या क्या खोलकर देखा, क्या खोलकर नहीं देखा, कौन से पेज को उन्होंने ओपन कर देखा, कौन सा पेज ओपन नहीं करा, किस पेज को कितनी देर तक क्या ओपन किया, ये सारा डेटा उनके वहां स्टोर हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या सामान खरीदने की इच्छा रखता है। आपको जो पसंद होगा उस सामान को आप ज्यादा देखोगे, उसकी रेंजेस देखोगे, उसके सॉर्टिंग करोगे एंड सो ऑन। तो क्या नेविगेशन किया पीपल ने, कौन सा पेज देखा, उससे पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या सामान खरीदना चाह रहा है ताकि अपन उसको वही सामान ऑफर कर सकें। तो डेटा एनालिटिक्स ई कॉमर्स साइट्स भी काम में सकती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, आज कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, कौन से पेज को देखा, क्या सामान उनको पसंद है, ताकि उसी तरीके का सामान उनको बार-बार ऑफर किया जा सके और वो हमसे खरीद ले। देन और कहां काम में लिया जाता है डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग भी डेटा एनालिटिक्स को काम में ले सकते हैं, ये देखने के लिए, अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा एनालिटिक्स काम में ले सकते हैं। कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना मतलब वो ये देखेंगे कोई कस्टमर डिफेक्शन तो नहीं है, डिफेक्शन मतलब दल बदल तो नहीं है कि पहले मेरे से तो 2 महीने की सर्विसेज ली फिर वो वोडाफोन में चला गया एंड सो ऑन, कस्टमर कितनी जल्दी, या कौन कौन मेरे परमानेंट कस्टमर्स हैं, 10 सालों से मेरा ही नेटवर्क काम में ले रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स डेटा एनालिसिस को काम में ले सकते हैं ताकि उनको अच्छी सर्विसेज दे सके। CRM एनालिटिक्स हो सकता है, CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अपन एनालाइज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से अपन बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स लगा सकते हैं, जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स लगा सकते हैं ताकि उनके कस्टमर्स के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सके। जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस भी डेटा एनालिटिक्स को काम में ले सकती हैं अपने पेशेंट के डेटा को देखने के लिए कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, कितने लोगों पे वो ट्रीटमेंट चला, कितने लोगों पे वो ट्रीटमेंट नहीं चला, कितने लोग उस तरीके की बीमारी को हैंडल कर पाए, सर्वाइव कर पाए एंड सो ऑन। उस तरह की चीजों को देखने के लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस डेटा एनालिटिक्स को काम में ले सकती हैं। तो डेटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ, कौन से एरियाज में एप्लीकेबल है, बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस काम में ले सकते हैं, लाइक बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज काम में ले सकती है, ये देखने के लिए कौन बंदा कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, कौन कहाँ कितना खर्च कर रहा है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना, ये एनालाइज करने के। ई कॉमर्स कंपनीज काम में ले सकती है ये देखने के लिए कितने लोगों ने उनकी वेबसाइट को विजिट किया, कौन से पेज पे गए, क्या नेविगेट किया, ताकि पता चल जाएगा उनको क्या सामान पसंद है, वो क्या खरीदने का सोच रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स भी काम में ले सकते हैं अपने कस्टमर्स को समझने के लिए कि कोई कस्टमर ऐसा तो नहीं है कि मैंने रेट्स बढ़ा दी तो मुझे छोड़कर चला गया या कुछ भी, परमानेंट कस्टमर्स कौन है। CRM एनालिटिक्स कर सकते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स लगाने के लिए। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स को काम में ले सकती हैं अपने पेशेंट्स को डेटा को रिव्यू करने के लिए कि जो हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितने पेशेंट सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितने नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये डिजीज कितने लोगों को हुई एंड सो ऑन। ये सारी बातें करने के लिए आप डेटा एनालिटिक्स को काम में ले सकते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या टाइप्स होते हैं एनालिसिस के, क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज होती हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज इनसाइड डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। जो डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस है वो कैसे क्या काम करता है, डेटा को एनालाइज करने का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है, आपको ये प्रोसेस है सीक्वेंस में आता है, सबसे पहला स्टेप होता है आप डेटा को कलेक्ट करोगे। आप कौन हो डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट होगा वो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा। डेटा जो साइंटिस्ट होगा वो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा, मतलब
उसको पता होना चाहिए उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, साइंटिस्ट को पता होना चाहिए उसको किस किस इन्फॉर्मेशन की नीड है कुछ भी एनालाइज करने के लिए, कोई भी एनालिसिस एप्लीकेशन को चलाने के उसको किस किस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ये बताना चाहिए। जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उस इन्फॉर्मेशन पे वर्क ऑन इट्स ओन ऑन देयर ओन, वो खुद ही उस इन्फॉर्मेशन पे काम कर सकता है, या फिर वो क्या करेगा, वो या फिर वो डेटा इंजीनियर्स और आईटी स्टाफ के साथ मिलकर, डेटा इंजीनियर्स एंड आईटी स्टाफ जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर उस पर काम करना शुरू कर देगा, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, डेटा को इकट्ठा करना। इकट्ठा कौन करेगा, साइंटिस्ट इकट्ठा करेंगे, मतलब उनको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला स्टेप तो उनको ये पता होना चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बाद वो उस पर खुद भी काम कर सकते हैं या इंजीनियर्स आईटी स्टाफ के साथ मिलकर उस इन्फॉर्मेशन पे काम कर सकते हैं, उसको असेंबल करेंगे उसको यूज में लेने के लिए। डेटा जो आता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ सकता है, डेटा अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो। उस डेटा को सबसे पहले आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट मतलब उसको इकट्ठा करोगे, फर्स्ट स्टेप में पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद उसको अपन कन्वर्ट करेंगे कॉमन फॉर्मेट में, मतलब अपन उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे कॉमन फॉर्मेट, सबका फॉर्मेट भी अलग अलग होगा तो ट्रांसफॉर्म कर दो कॉमन फॉर्मेट में। फिर उसके बाद उसको लोड कर दोगे एनालिसिस सिस्टम में, मतलब डेटा वेयर हाउस में उसको लोड कर दिया जाएगा और वेयर हाउस में से डेटा को अपन एनालाइज करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, डेटा कलेक्ट किया, खुद भी कर सकते हो मतलब उस पर काम खुद भी कर सकते हो या फिर इंजीनियर्स आईटी स्टाफ के साथ मिलकर उस पर काम कर सकते हो। डेटा जो आपने इकट्ठा किया अलग अलग सोर्सेज से आया तो उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसको कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको लोड करना पड़ेगा कोई एनालिसिस सिस्टम के अंदर जिसको जिसपे डेटा रख दिया जाए उसको देखकर एनालाइज किया जा सके। ये एनालिसिस सिस्टम क्या है, डेटा वेयर हाउस, वहां पे डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, डेटा स्टोर हो गया, डेटा अपनी जगह पे आ गया, फिर उसके बाद फिक्स करो जो भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उस डेटा जो आपने इकट्ठा करके रख दिया उसमें, अगर कोई भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी को इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है मेरा इतना प्रॉपर एनालिसिस ना हो पाए, तो कोई भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो ताकि एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रहे। तो उसको ठीक करने के लिए अपन जॉब क्लीनिंग करते हैं, नॉइस वॉइस बीच में से हटा दो, या फिर डेटा प्रोफाइलिंग ये दो काम किए जाते हैं। अगर आपको डेटा को क्वालिटी इश्यूज हटाना है तो या तो डेटा प्रोफाइलिंग या जॉब क्लीनिंग का काम करो ताकि डेटा हमेशा मेरे पास कंसिस्टेंट रहे, सही डेटा, जो एरर्स थी वो हटा दी और एरर्स आपकी हट चुकी हैं और डुप्लीकेट एंट्रीज भी कोई नहीं है, इसके लिए हम श्योर हैं कि अब कोई डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। तो डेटा अपनी जगह पे लगा दिया जो चाहिए, उसके बाद क्वालिटी इश्यूज कुछ आरन को ठीक करो जिस वजह से आपकी कोई भी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो जॉब क्लीनिंग या फिर डेटा प्रोफाइलिंग काम में ले सकते हो, उसकी वजह से डेटा कंसिस्टेंट रहेगा हमेशा, एरर्स का हट जाएंगी और डुप्लीकेशन जो काम हो रहा है वो भी हट जाएगा। अब ये सेकंड स्टेप के अंदर ही और सब पॉइंट्स हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज हट गई, सेकंड के अंदर अपन सब पॉइंट्स पढ़ लेंगे। अब होता क्या है, डेटा में से आपने सारी क्वालिटी इश्यूज हटा दी, जितना भी जो था अपने डेटा वेयर हाउस में से जितना भी जो इश्यूज आ रहे थे वो सब हटा दिया, एरर्स वगैरह हटा दिए। नेक्स्ट काम क्या होता है, जो डेटा साइंटिस्ट होता है, जो डेटा साइंटिस्ट जिसने डेटा इकट्ठा किया था, जो डेटा साइंटिस्ट है वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा अब खुद एक एनालिटिकल मॉडल बनाएगा, उसने खुद ने एक एनालिटिकल मॉडल बनाया। वो मॉडल किसकी हेल्प से बनाया, विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक पढ़ी है अपने, प्रिडिक्टिव मतलब फ्यूचर को फोरकास्ट करके उसने मॉडलिंग टेक्निक बनाई, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम में लेकर उसने एनालिटिकल मॉडल बनाया, एंड कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को काम में लेकर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको काम में लेते हुए उसने एक एनालिटिकल मॉडल बनाया। अब क्या होगा, इस मॉडल पे वो पार्शियल डेटा सेट रन कर देखेगा, पार्शियल डेटा सेट रन कर देखेगा जो उसने मॉडल बनाया उस पर, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि वो सही काम कर रहे नहीं कर रहा, मतलब जो मॉडल उसने बना दिया उस पर वो कंप्लीट डेटा रन नहीं करके देखेगा, पार्ट ऑफ द डेटा, जो भी डेटा उसको चलाना है एक्चुअल में उसका पार्ट उस पर चलाकर देखेगा कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहा जो उसने मॉडल बनाया। अगर उसमें कुछ गलती आ गई तो उस गलती को वो रिवाइज करेगा, ठीक कर देगा, उसको दोबारा से टेस्ट करेगा आप सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये चलता जाएगा। मतलब बेसिकली अपन सिस्टम को यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिस्टम को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब तक मॉडल मेरा वैसा काम नहीं करने लग जाए जैसा मैंने सोचा था, जैसा एज इंटेंटेड,
जैसा मैंने इंटेंड किया था, जैसा मैंने सोचा था, जब तक सिस्टम मेरा वैसा काम नहीं करने लगा तब तक मैं पार्शियल डेटा सेट को उस पर रन करती रहूंगी। तो यहाँ क्या हुआ, साइंटिस्ट ने खुद का एनालिटिकल मॉडल बनाया, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग काम में लेकर, सॉफ्टवेयर काम में लेकर, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को काम में लेकर, फिर उसपे पार्शियल पार्ट ऑफ द डेटा सेट उसने रन करके देखा कि वो सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कुछ भी गलतियां आ रही हैं तो उसको ठीक किया, दोबारा टेस्ट किया, ठीक किया, दोबारा टेस्ट किया। तो ये काम करते जाएंगे जब तक सिस्टम वैसा काम नहीं करने लगा जैसा हमने सोचा है। और उसके बाद क्या होगा इसमें, उसके बाद फाइनली सिस्टम को प्रोडक्शन मोड में चलाओ। प्रोडक्शन जब सब कुछ सही काम करने लगा तो प्रोडक्शन मोड में चलाया, मतलब उस पर फुल डेटा सेट आपने रन कर कर रख दिया, जो पूरा का पूरा डेटा था उस पर कंप्लीट आपने डेटा रन कर दिया, फुल डेटा सेट आपने रन कर दिया, तो मतलब वो प्रोडक्शन मोड में चलने लग गया। क्यों रन करते हैं, ताकि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो फुलफिल करता है। रन किया फुल डेटा सेट, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की अपन को जरूरत है तो देख रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं करवा रहा, मतलब पूरा एक्चुअल उसको चलाने लगा, एकदम सही तरीके से उसको अपन रन करने लगे। Then third step क्या होता है data analysis का, last step क्या होता है, जो भी results आ रहे हैं आपके analytics करने के बाद, production mode में चलाया, complete system को चला दिया, उसके बाद जो results है, उस results को आप किसको दोगे, उस results को आप दो या तो business के executive को results दो, या फिर जो other users हैं, और भी कोई users हैं उनको results दो, उनको देखकर जो लोग उसको देखकर decision अपना लेता है उनको results provide करा। तो डेटा को एनालाइज करने के तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, डेटा साइंटिस्ट यहाँ डेटा कलेक्ट करेगा, मतलब उसको पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन की उसको जरूरत पड़ेगी एनालाइज करने के लिए, फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन पे वो खुद भी काम कर सकता है या फिर इंजीनियर्स और आईटी स्टाफ के साथ मिलकर काम कर सकता है। जब इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से आएगी उसको इंटीग्रेट करो, उसको कन्वर्ट करो एक कॉमन फॉर्मेट में और लोड कर दो आप डेटाबेस में, फिर डेटा अपनी जगह पे है एनालिसिस करने के लिए, उसके बाद उसमें कोई भी इश्यूज आ रहे हैं उसको ठीक करो ताकि वो सही से काम कर सके। तो क्लीनिंग प्रोफाइलिंग का काम करो ताकि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहे, उसमें कोई एरर ना हो, कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो। फिर इसमें डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, खुद एनालिटिकल मॉडल क्रिएट करेगा, वो मॉडल वो हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से क्रिएट करेगा। उस मॉडल पे वो पार्शियल डेटा सेट पार्ट ऑफ द डेटा सेट रन करके देखेगा ये चेक करने के लिए कि वो सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, गलत कर रहा है तो ठीक किया उसको दोबारा टेस्ट किया, ठीक किया दोबारा टेस्ट किया। ये काम अपन तब तक करते जाएंगे जब तक वो सिस्टम वैसा काम नहीं करे जैसा आपने सोचा था। फिर जब कुछ सही चलने लगा तो उसको फाइनली प्रोडक्शन मोड में चला दो, प्रोडक्शन मतलब फुल सिस्टम को फुल डेटा सेट उस पर रन कर दो और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है। एंड लास्ट स्टेप क्या है कि लास्ट स्टेप है कि जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप कम्युनिकेट कर दो टू द एग्जीक्यूटिव्स और यूजर्स, ताकि उनको देखकर उस एनालिसिस को देखकर वो लोग अपना डिसीजन ले सकें, जो भी आपके एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव्स और यूजर्स हैं वो अपना डिसीजन ले सकें। आई बात समझ में, ये स्टेप्स होते हैं डेटा एनालाइज करने के, ये सारे स्टेप्स होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया बच्चों? चलो पहले मैं सुन लूं कल का जो पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस। क्या होता है बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, एक टेक्नोलॉजी, बीआई टेक्नोलॉजी, बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन पे आपको कोई एक्शन लेना है, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन कैसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जिस पे अपन को कोई भी एक्शन लेना है, उस एक्शनेबल इंफॉर्मेशन को इसकी हेल्प से प्रेजेंट किया जा सकता है ताकि जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं वो उसको देखते हुए अच्छा डिसीजन ले सके। तो बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन पे क्या एक्शन लेना है वो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट किया जा सकता है बिजनेस इंटेलिजेंस के हेल्प से, ताकि जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं उसको देखते हुए अपना प्रॉपर डिसीजंस ले पाए। बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है, किन किन चीजों में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है, बाहर की जो दुनिया है वहां का भी डेटा, वहां से भी डेटा कलेक्ट आप कर सकते हो। उस डेटा को आप प्रिपेयर कर सकते हो एनालिसिस के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से उस डेटा को प्रिपेयर किया जा सकता है एनालिसिस के लिए। उस डेटा पे कुछ क्वेरीज चलाकर देखी जा सकती है, क्वेरीज आपकी जो भी क्वेरीज है वो चलाकर देख सकते हो कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। एंड बिजनेस इंटेलिजेंस आपके लिए रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकता है, डेटा विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकता है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब डेटा किस तरीके से दिखेगा, फॉर्मेटिंग, उसकी चार्ट्स, उसके ग्राफ्स, इमेजेस, डेटा विजुअलाइजेशन भी किया जा सकता है। तो बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं डेटा को एनालाइज करने के बाद, वो रिजल्ट आप दे सकते हो कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स और ऑपरेशनल वर्कर्स को। कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर जो टॉप लेवल के लोग होते हैं और जो ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं, उन सबको वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से। तो बिजनेस इंटेलिजेंस एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को एनालाइज कर सकते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन पे क्या एक्शन लेना है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट की जा सके ताकि डिसीजन मेकर्स उसको देखकर डिसीजन ले सके। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि बिजनेस कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से, उस डेटा को प्रिपेयर किया जा सकता है एनालिसिस के लिए, उस पे क्वेरी चलाकर देखी जा सकती है, उसकी हेल्प से रिपोर्ट्स भी तैयार की जा सकती है, और रिपोर्ट्स जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टू द कॉर्पोरेट मैनेजर्स एंड ऑपरेशनल वर्कर्स को, रिपोर्ट्स दी जा सकती है, जिसकी वजह से आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। देन रीजन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, क्यों अपन बिजनेस इंटेलिजेंस का काम में लेते हैं, क्यों क्यों काम में लेते हो आप बिजनेस इंटेलिजेंस को? अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस को काम में लेते हो तो आप बिजनेस के अंदर ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे, ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे तो आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अगर अपन ज्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस काम में लेते हैं तो ज्यादा प्रॉपर अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, उसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगा, जब आप जो एक्सटर्नल, जो बाहर की दुनिया के, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो इंडिकेटर्स हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स को अगर आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर को समझ पा रहे हैं कि क्या होने वाला है बाहर की दुनिया में, प्लस आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, तभी आप एकदम करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए, आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। जितना ज्यादा प्रोएक्टिव रहोगे बिजनेस इंटेलिजेंस को काम में लेने के लिए, जितना ज्यादा प्रोएक्टिव फर्स्ट स्टेप लोगे, उतने ही अच्छे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस का काम में लेना चाहिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो, उससे क्योंकि हम बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिचुएशन को देखते हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के डेटा को देखते हुए बिजनेस इंटेलिजेंस के हेल्प से अपन डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस जो आप काम में लेते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है एक तो टाइमली, कि टाइम पे जो इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए तब टाइम पे अवेलेबल हो, एंड क्वालिटी, सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एम यही होता है कि टाइम पे एंड क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है वो रिवील्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजों के बारे में बताता है, ऑर्गेनाइजेशन को बताता है उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, उसके कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन में उसकी कितनी पोजीशन है, कस्टमर का बिहेवियर कब क्या चेंज हो रहा है, कस्टमर कब कौन सा सामान खरीदना पसंद करता है, कस्टमर के बिहेवियर के बारे में बिजनेस इंटेलिजेंस आपको बता सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बता सकता है। आपकी फर्म की कैपेबिलिटीज क्या है, हम कितना काम कर सकते हैं एक बार में, हम कितना नहीं कर सकते, मार्केट में अभी क्या कंडीशन चल रही है, क्या ट्रेंड आने वाला है, इन सब के बारे में बिजनेस इंटेलिजेंस आपको प्रिडिक्ट कर बता सकता है फ्यूचर ट्रेंड, क्योंकि अपन बाहर की दुनिया के डेटा को भी एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर। यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सारा आपको बिजनेस इंटेलिजेंस आपके बता सकता है। और दूसरी फर्म्स मार्केट में, जो दूसरी फर्म्स है वो क्या कर रही है क्या नहीं, ये सारी बातें भी बिजनेस इंटेलिजेंस बता सकता है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली दो ही है, कि टाइम पे और अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए डिसीजन मेकर को। वो किस किस बारे में बता सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस? पोजीशन, कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर, हमारी पोजीशन क्या है, कस्टमर का बिहेवियर कब चेंज हो रहा है कब चेंज नहीं हो रहा, क्या पसंद आ रहा है उसको क्या नहीं, हमारी फर्म की कैपेबिलिटी कितनी है, मार्केट कंडीशन क्या चल रहे हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या आने वाले हैं, सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या है बाहर का, दूसरी फर्म्स क्या करने का सोच रही हैं, ये सारी बातें आपको बिजनेस इंटेलिजेंस बता सकता है।
देन बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस को काम में लेंगे तो आपको उससे क्या क्या फायदे मिलेंगे, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर बीआई टूल्स को काम में लेती है, बीआई टेक्नोलॉजी को काम में लेती है तो क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसकी हेल्प से कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस को काम में लेते हैं। मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि ये आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में डेटा बता रहा है। यहाँ पे अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इंटरनल प्रोसेस को, आप जिस तरीके से इंटरनल काम कर रहे हो तो उसको बेस्ट तरीके से आप बिजनेस प्रोसेस की हेल्प से रन कर सकते हैं। आप अपने जो डिपार्टमेंट्स के साथ आप जो कम्युनिकेशन कर रहे थे, कम्युनिकेशन विथ योर डिपार्टमेंट्स, वो आप यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने डिपार्टमेंट के साथ इसके हेल्प से कम्युनिकेट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता इम्प्रूव कर सकती है बिजनेस इंटेलिजेंस को हेल्प लेते हुए, नए नए रेवेन्यूज के तरीके ढूंढ सकती है कहाँ कहाँ से और पैसा कमाया जा सकता है, एंड उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, अपने राइवल से ज्यादा उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के, पहला बेनिफिट अपन ने पढ़ा ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, डिसीजन फास्ट लिए जाएंगे, अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, आप अपने इंटरनल प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके हेल्प से, कम्युनिकेशन अदर डिपार्टमेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए नए रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं और आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। सेकेंड बेनिफिट क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस का, बिजनेस इंटेलिजेंस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बिजनेस की प्रॉब्लम को अपन रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की जरूरत है, ये सब अपन बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, मेरी बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप और इम्प्रूव कर सकते हो, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और अच्छा कर सकते हो। कैसे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है, जो भी कस्टमर ने प्रॉब्लम बताई, इंटेलिजेंस को काम में लेते हैं उनको क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, फटाफट कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि इसकी ये प्रायोरिटी है, ये कस्टमर प्रायोरिटी है, तो इसकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो और इम्प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली तीन बेनिफिट्स मिले बिजनेस इंटेलिजेंस को काम करने यूज में लेने से आपको, आपकी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं, क्या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किनको ठीक करने की जरूरत है, एंड कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और इनहेंस कर सकते हो क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी बिजनेस इंटेलिजेंस के अच्छे उनको क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर बीआई टेक्नोलॉजी, बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे डेटा एनालिसिस एप्लीकेशंस काम में लिए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं इसके अंदर। कौन सी इनमें से दो या तीन नाम याद कर लेना, कौन सी एप्लीकेशंस आप काम में ले सकते हो एनालाइज करने के लिए, लाइक ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग अपन काम में ले सकते हैं, मोबाइल बिजनेस इंटेलिजेंस मूव करते हुए बिजनेस इंटेलिजेंस काम, रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस आपकी हाथ कोई चीज के बारे में बता रहा है, तीन दो या तीन नाम याद कर लेना कि ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एनालिसिस के लिए एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाता है बिजनेस इंटेलिजेंस, जैसे OLAP, मोबाइल BI, रियल टाइम BI एक्सेट्रा। बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा विजुअलाइजेशन भी देता है, डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है यहाँ पे, डेटा विजुअलाइज, डेटा कैसे दिखेगा आपको, तो यहाँ पे मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बताएंगे कि डेटा को कैसे दिखाया जाएगा, चार्ट्स के फॉर्म में दिखाओगे, कोई ग्राफिक्स के फॉर्म में डेटा दिखाया जाएगा, तो डेटा कैसे दिखेगा उस चीज के लिए भी बिजनेस इंटेलिजेंस में टूल्स होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ एनालिसिस के एप्लीकेशन है, कुछ टूल्स है टू विजुअलाइज द डेटा, डेटा को कैसे विजुअलाइज किया जाएगा, डेटा को कैसे देखा जाएगा, दिखाया जाएगा, लाइक चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड्स भी होते हैं, ये अपन को डेटा विजुअलाइजेशन के साथ बिजनेस इंटेलिजेंस
परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड्स भी प्रोवाइड करवाता है। अभी परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड्स का मतलब क्या होता है, आपने कैसा क्या परफॉर्म किया, किस बंदे ने कैसा काम किया, उसका एक मैट्रिक्स बना दिया। मैट्रिक्स मतलब रोज कॉलम एक टेबल फॉर्मेट में बना दिया, इस बंदे ने इस टाइम ऐसा काम किया था, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, इस मंथ में इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसको परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड भी दिख सकता है, ताकि उनको देखकर अपन ये पता लगा सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की अपन को जरूरत है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस है उसकी जो टेक्नोलॉजी, अलग अलग एप्लीकेशंस आप अलग अलग वेंडर से भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से भी उसकी एप्लीकेशंस ले सकते हैं, या फिर ये सारी चीजें आप एक वेंडर से भी ले सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी की, बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की जो भी एप्लीकेशंस है, अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग वेंडर से भी ली जा सकती है, या सारी की सारी एप्लीकेशंस एक वेंडर से भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ये इनकॉर्पोरेट करता है, ये अपने साथ इनकॉर्पोरेट, बिजनेस इंटेलिजेंस में कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं, एडवांस एनालिसिस की कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं। क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि डेटा माइनिंग एडवांस एनालिसिस का ही पार्ट है, वो इनकॉर्पोरेट इसके साथ होता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड होता है। टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट को देखना, टेक्स्ट को समझना, टेक्स्ट क्या कह रहा है क्या नहीं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें बिजनेस इंटेलिजेंस में इंकॉर्पोरेटेड होती है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड बिग डेटा एनालिसिस, तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी एडवांस एनालिसिस भी इंकॉर्पोरेटेड होती है, लाइक डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड बिग डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है। तो ये जो एडवांस एनालिसिस का काम है, इसके लिए तो सेपरेट, ज्यादातर क्या होता है, एडवांस एनालिटिक्स के लिए अलग टीम बना दी जाती है। जितना भी ये एडवांस एनालिसिस का काम है, एडवांस एनालिसिस का जितना भी काम है, उसके लिए आप एक सेपरेट टीम बना देते हैं, उसके लिए एक अलग ही टीम बना दी, वो एडवांस एनालिसिस काम करेगी। उस टीम में कौन कौन होगा, उस टीम में एक तो डेटा साइंटिस्ट होंगे जो डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे आपके, एक उस टीम के अंदर स्टैटिस्टिशियंस होंगे जो स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने में आपको हेल्प करेंगे, उस टीम के अंदर एक प्रिडिक्टिव मॉडलर्स होंगे जो प्रिडिक्टिव मॉडल जो अपने किया था ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, उसको काम करने में ये हेल्प करेंगे, एंड बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर। और जो बीआई टीम है, बिजनेस इंटेलिजेंस, सेपरेट टीम बना दी, ये सारा काम कर रही है। और जो बिजनेस इंटेलिजेंस टीम है, उसका काम तो क्या है, उसका काम सिर्फ इतना सा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके पास क्वेरी आ रही है, जो सीधी साफ सुथरी सिंपल जो क्वेरी आ रही है, उसको रिस्पॉन्ड करना, उस पर काम करना, एंड बिजनेस के डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, तो जो अपने एडवांस एनालिसिस पढ़ाई, इसके काम करने के लिए एक अलग टीम बना दी जाती है। उस टीम के अंदर कौन कौन होगा, डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, प्रेडिक्टिव मॉडलर्स और बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स इसके अंदर होंगे। और बिजनेस इंटेलिजेंस की जो टीम है, उसका काम है, सिर्फ उसका इतना काम है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी आ रही है उसको काम करना है और डेटा को एनालाइज करना है, उसका इतना सा काम होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस का जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर करते हो आप, डेटा वेयरहाउस में या फिर डेटा मार्ट्स में, जो छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बनाए थे वहां पे स्टोर करते हैं या डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। अब बिजनेस इंटेलिजेंस की टीम इसके अंदर कौन कौन होता है, इस टीम के अंदर कौन कौन होता है, एक तो बिजनेस इंटेलिजेंस का मैनेजर होगा इस टीम के अंदर, एक इस टीम के अंदर इसका आर्किटेक्ट होगा, ये सब अपन इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। एक इस टीम के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस के डेवलपर्स होंगे, एक इसका बिजनेस एनालिसिस, जो बिजनेस को एनालिस्ट, जो बिजनेस को एनालाइज करेगा वो बंदा होगा इसके अंदर, और एक डेटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, जो डेटा को मैनेज करते हैं ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेशनल्स भी इसी टीम के अंदर। तो ये अपन ने किसके अंदर पढ़ा, ये अपन ने सारी बातें पढ़ी बिजनेस इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर। रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा बिजनेस इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर। बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करने के लिए एप्लीकेशंस होती हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके अंदर, OLAP, मोबाइल BI, रियल टाइम BI एक्सेट्रा। या डेटा विजुलाइजेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर होता है कि डेटा कैसे दिखेगा, चार्ट्स में, ग्राफिक्स में। परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड्स भी होते हैं कि सबकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दो, फिर पता चल जाएगा कहाँ पे क्या इंप्रूव करने की आपको जरूरत है। देन बिजनेस इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग वेंडर से भी ली जा सकती है और एक वेंडर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस एनालिसिस को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जैसे डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग,
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिग डेटा को एनालाइज, बिग डेटा पढ़ा था मैंने, बिग डेटा को भी एनालाइज करने की ये सारी भी टेक्निक्स इनके अंदर इंकॉर्पोरेट की जाती है। तो जितना भी एडवांस एनालिसिस का काम है वो तो एक सेपरेट टीम करेगी। उस टीम में कौन कौन होगा? डेटा साइंटिस्ट होंगे, स्टैटिस्टिशियंस होंगे और प्रिडिक्टिव मॉडलर्स होंगे और स्किल्ड प्रोफेशनल्स होंगे। और बीआई टीम का काम क्या है? सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेरी आ रही उसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर करते हो? डेटा वेयरहाउस में या डेटा मार्ट में उनको स्टोर कर देते हो। बीआई टीम में कौन कौन आया? बीआई मैनेजर्स, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? उसके टीम के अंदर आ जाते हैं। आया समझ में? आया? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बिजनेस इंटेलिजेंस तक ही पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है?